जब भी किसानों का फसल आता है तो वो आयात को खोल देता है नहीं तो निर्यात को प्रतिबंधित कर देते हैं, तो किसानों को पैसा उनका मूल्य नहीं मिलता है। किसानों को अगर उनका मूल्य नहीं मिलेगा तो किसानों का आय दुगुनी होगा कैसे? आपको गणित आता है क्या? गणित नहीं आता है तो भारतीय किसान संघ को पूछो। देश का दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान संघ आज आपको समझाने के लिए आया है किसानों को लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा। लाभकारी मूल्य लागत के आधार पर, ये हम आपको मान नहीं रहे, हम अपना अधिकार मानते। अरे यार आवाज तो बुलंद करो, मोबाइल को बंद करो, आवाज बुलंद करो, हम अपना अधिकार मानते। बाकी लोग का हाथ कहने गया, जहां तक आवाज जा रहे ये बाकी तंत्रों को बंद करो, सबको बोलो उसका आवाज करे, हम अपना अधिकार मानते। प्रधानमंत्री जी आपको सरकार को समझाओ, दो साल में जब लोग मर रहे थे, जब कोविड का कहर छा रहा था देश में, किसानों ने अपने परिवार के विरोध के बाद जान हथेली पर लेकर फसल उपजाया। किसानों ने बाजार में, रास्ते में, अगल बगल में बैठकर सारे जनता को खाना खिलाया, मुनाफा नहीं कमाया। ये किसानों का दिल में है, देश में किसी को मरने नहीं देंगे। किसान मुनाफा कमा सकता था दूसरे व्यापार जैसा, मगर किसानों ने जान हथेली में लेकर खेती भी किया, दुनिया को 130 टन बंदर को खाना भी खिलाया, मुनाफा नहीं कमाया। अगर किसानों ने आपको खाना खिला सकता है, कल जरूरी हुआ तो पानी भी पिलाएगा, पानी भी पिलाएगा। पार्लियामेंट में जो सरकार बैठी है, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, राज्य में राजधानी में जो सरकार बैठे हैं, सबको भारतीय किसान संगठन आगाह कर रहा है, अगर खाना भी खिला सकता है वो पानी भी पिला सकता है आपको। भारत माता की, भारत माता की, गौरवाबाद, हाथ उठा। प्रधानमंत्री जी आप एक मंत्री है, पर्यावरण मंत्री, परसों कनाडा गए थे, कनाडा के मंत्री में भाषण दे के हम जैव विविधता बढ़ाएंगे। आप भी बोल रहे थे मधुमक्खी पालन करो, शहद निकालो, आप भी घोषणा किए थे प्राकृतिक खेती करेंगे, रासायनिक कम करेंगे, मगर आपका पर्यावरण मंत्रालय जीएम सरसों को लागू करने की अनुमति दे दिए, पूरा का पूरा जैव विविधता को खत्म करने वाला जीएम सरसों को अनुमति दे रहा है। प्रधानमंत्री जी आपको मालूम है क्या, ये जीएम सरसों पुरुष है नपुंसकता का भेद है, पता है आपको? आपको मंत्री को समझाओ, यह जीएम सरसों कैंसर पैदा करता है, यह जीएम सरसों सारी औषधियां पौधों को मारता है, फिर भी आप अनुमति दे रहे हो, कैसा सरकार है आपका? और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जैव विविधता को सुरक्षित करो, आपका मंत्री बोल रहा है कि उसको खत्म करो, ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी हमको जैविक चाहिए, जहर नहीं, जैविक चाहिए।
फीट चले चार नहीं, चार नहीं जैविक चाहिए। ये जहर क्यों खिला रहे हमको? ये पुरुष नपुंसकता का भी राजस्थान के लोग बैठे हैं, पंजाब के लोग बैठे हैं, मेरठ के लोग, हजर के लोग, सरसों का साग और खाने को नहीं मिलेगा, सरसों का साग और खाने को नहीं मिलेगा। जीएम खसरा खेती अगर लागू हो गया, ध्यान रखो जहां भी सरकार की ओर से जीएम सरसों की बुआई करने की पहल होगी, वहां मैदान में खड़े होकर उसका विरोध करना पड़ेगा, जरूरत हो तो उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जहर नहीं जैविक चाहिए, जहर नहीं जहर नहीं जहर नहीं, अरे जहर नहीं जैविक चाहिए सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए नहीं है, पूरे भारत के किसानों के लिए है। अगर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना है तो जीएम फसलों को बंद करना है। ये जीएम फसल एचआईवी फसल है, एचआईवी एक बोलते हैं ना, ऐसा ही फसल है जीएम फसल। हाई इन्वेस्टमेंट वेराइट वाला, बहुत खर्चा होने वाला है, लाभ मिलने वाला है नहीं, इसलिए उसका पूर्ण तौर पर विरोध करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आपके एक वित्त मंत्री है, आपका वित्त मंत्री देश के लिए बजट तैयार करता है, करती है, वो कौन सा भाषा समझते हम नहीं जानते हैं। पिछले तीन साल से हमने समझा रहे हैं कृषि के जितने आधार हैं, जो छोटे छोटे यंत्र है, छोटे छोटे खुरपी ये कोदाल, हम जितने यंत्र हम खेती में लगता है सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया। क्या मकसद है? अब जीएसटी लगाया, जीएसटी कानून के हिसाब से हमको इनपुट क्रेडिट भी दे दो, किसानों को लाखों रुपया ले रहे हो, करोड़ रुपया जीएसटी में हमसे ले रहे हो, मगर इनपुट क्रेडिट हमारे खाते में नहीं डालते हो। और आपका वित्त मंत्री प्रधानमंत्री समझ नहीं रही है, उनको समझाइए। आप नहीं समझाएंगे तो किसान समझे अपने भाषा में समझा देगा उनको। कृषि आदानों में जितने ट्रक्स है सबको आपको सुनने करना पड़ेगा। आप बढ़िया बढ़िया निर्णय लेते हो, कल ही आपने इथानॉल में जीएसटी को जीरो कर दिया, अच्छी बात है। किसान के लिए क्या किया या कंपनी के लिए किया? किसानों के लिए किया या कंपनी के लिए किया? हमें 2.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी खाद पर देते, किसको दिए? कंपनी को दिए। सारी व्यवस्था कंपनियों के लिए जो कृषि आदान तैयार करते हैं उनके लिए व्यवस्था है, किसान का बात सुनने जा रहे हैं। तो यहां से अगर गर्तनाम करने वाले हैं, कर रहे हैं, अगर सरकार के पास विषय को पहुंचाना है तेरे मेरे साथ हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत किसान संघ जिंदाबाद। हिंदी में एक गीत था, यह काला काला थाला थाला बात याद है ना, यह जल के बारे में बताया गया, मगर कुछ प्रांत में जल इतना जलाता है हमको आश्चर्य लगता है। ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार का जो बात है जिन्होंने उनको शुरुआत की है, उन्होंने बताया था हर खेत को कहाँ है पानी? तो यहाँ पार्क में बह रहा है पानी, दिल्ली में पार्क में कमी नहीं है, क्योंकि वहां नरम नरम घास चाहिए लोगों को बैठने के लिए। अरे खाना उगाते हैं हम, आपको खिलाते हैं हम, हमारे खेत को कब पानी पहुंचेगा?
पानी बह रहा है नदियों में समुद्र तक, कौन नदियों को तोड़ के राजस्थान के रेगिस्तान तक, गुजरात का कच्छ तक, बिहार का गांव गांव में, तमिलनाडु कर्नाटक रो रहा है पानी के लिए, कावेरी के लिए, कब पहुंचेगा पानी? हर घर जल, ये तो अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, ये जल संकट होता को होने पर समझाओ, पानी पी के पानी तो पीना अच्छी बात है पी ले, मगर खेती को पानी नहीं पहुंचेगा तो आप भी बिना खाना से क्या रहोगे इस देश का आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपका जो मारा था हर खेत को पानी, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपने सुना है क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सुना है क्या? आपके गांव में पानी पहुंचा? आपके खेत पे पानी पहुंच रहा है? ये नदी जोर योजना कहां गया? कृषि सिंचाई योजना कहां गया? प्रधानमंत्री जी ध्यान रखिए, इस बजट में बस एक महीने का बजट पेश होने वाला है, इस बजट में पानी के लिए भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा कदम से प्रधानमंत्री ने उठाए थे, किसान सम्मान निधि ऊंट के मुंह में जीरा 6,000 रुपया, अभी खाद का कीमत 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ गया, डीजल का कीमत बढ़ गया, 6,000 रुपया में होता क्या है? प्रधानमंत्री जी आपने किसानों को वादा दिया था, वादा किया था, किसान हितैषी सरकार के नाते घोषणा की थी, जो वादा किया है निभाना, जो वादा किया है निभाना, नहीं तो किसान बरसेगा। वादा निभाना, वादा जो किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो किसान कब गरजेगा? आज शुरुआत है किसान गर्जना की, शुरुआत है बंधु। असम से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर केरल तक हमारे बंधु भाव भगिनी सब आए हैं, अपने अपने भाषा में अपने अपने बोली में सरकार के अपने तंत्रों को समझाने के लिए आए हैं। ये मत समझना गलत फहमी नहीं है ना सरकार के लोग, बस एक गर्जनेबाजी करके किसान क्यों बैठने वाला नहीं है। जब तक सीएम सरसों वापिस नहीं होता है, तब तक खेत को पानी नहीं पहुंचता है, तब तक कृषि आधार में जीएसटी का स्वस्थ नहीं होता है, तब तक ये किसान गर्जना, किसान का गूंज आपको गांव गांव से सुनाई देगा। गलत फहमी में नहीं रहना, कुछ लोग जो किसान के नाम पर राजनीति करने लगे थे, किसान के नाम पर राजनीति नहीं चलेगा बंधु। किसान राजनीति को नियंत्रण करेगा, यह दिन आ रहा है। जो किसान हित में काम करेगा, अरे आवाज तो करो, ये जो बंधु यहां चिल्ला, थोड़ा आवाज बंद करो, वहां भाई साहब बैठा हुआ, उनको बैठा हुआ क्या चल रहा है? जो किसान हित में काम करेगा, अरे आवाज, यहां ये दिल्ली का ऑफिस है, पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट दूर है, हाथ उठा के जो किसान हित में काम करेगा। इसको याद रखना प्रधानमंत्री जी, 2022 निकल रहा है और समय नहीं है, और समय नहीं है,
इसलिए आपको तत्काल काम करना पड़ेगा। आप बढ़िया व्यक्ति हम जानते हैं, आप कश्मीर में अच्छा किया हो भी हम जानते हैं, आप पाकिस्तान को दबाव दिया हो भी हम जानते हैं, स्वागत है, मगर आपका कृषि नीति सही नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपका विदेश नीति अच्छी हो रही होगी, आपका प्रशासन भी अच्छा हो रहा होगा, मगर आपके ध्यान में किसान अभी तक नहीं आया है। दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन आपके सामने आज घोषणा कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है तो तुरंत जग जाना चाहिए। किसान का लाभकारी मूल्य का व्यवस्था, किसानों को उनका जितना उत्पादन उनका व्यवस्था, खरीदारी की व्यवस्था, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो किसान का गर्दना कहां तक गूंजेगा आपको अंदाज नहीं है। शायद 1 लाख गांव से किसान आए हैं, कल से पुलिस परेशान था, कल से पुलिस कर्तव्य से फोन आता था, पुलिस बंद हो गई, सहायता करो, कोई गड़बड़ नहीं करने वाला नहीं है। ये 1 लाख गांव से किसान प्रतिनिधि आ रहा है, ये इसे घूमने नहीं आया, काजू किशमिश खाने के लिए नहीं आया, आपको कभी मैं खिलाया इसलिए अपना लाभकारी मूल्य मांगने के लिए आया, मुनाफा नहीं कमाया उस समय। ये तपती धूप में भी यहां अपने जेब से, एक मिनट और बैठा हुआ हो गया, बैठा हूँ। ये किसान किसी कंपनी के पैसे से नहीं आए प्रधानमंत्री जी, ये किसान खेती छोड़ के, फसल का खेत छोड़ के, अपना घर में गाय बैल छोड़ के, अपने जेब से खर्चा करके, ये पीछे के तौर से अपने पैसे से खरीद करके खाना खा के यह गर्जना कर रहा है। ये गर्जना आपको सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा आप सोचो। इसलिए हम आपको ये आगाह करने आते हैं, ये तो 4 मांग है प्रमुख मांग, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना, ये सिर्फ मांग नहीं है, ये जरूरी है। बार बार आपका आंकड़ा कहता है किसान को नुकसान हो रहा है, किसान का वाजिब दर मूल्य नहीं मिल रहा है, कई फसलें 23 फसल में भी नहीं रुक सकते आप, 23 फसल का घोषणा हो जाता है मगर उसका मूल्य किसान के जेब में नहीं आता है। साल में करीब 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए का बीज का व्यापार कंपनी सरकार मिलकर करते हैं, ये पैसा किसान का है, ये 6 लाख करोड़ किसान का पैसा है। बीज की सही प्रबंधन करो, किसान को प्रशिक्षित करो, अपना बीज अपने बना ले जाओ, ये रूट नहीं चलेगा। मंडी से लेकर बाजार तक, सरकारी मंडी से लेकर बाजार तक रूट चल रहा है। हर क्विंटल गेहूं में धान में, 1 क्विंटल धान गेहूं में करीब 1.5 रुपया लूट हो रहा है, खुला जैसे जीएसटी में लूट हो रहा है। जीएसटी का जो हमने दिया पैसा, वो पैसा हमारे खाते आने का कानून प्रावधान है। अगर सरकार पिछले 3 साल से जब से जीएसटी लगा नहीं दे रहा है पैसा, इसका मतलब सरकार किसानों का पैसा लूट रहा है, चोरी कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा आगे।
इसलिए कृषि आधार में सारी जीएसटी को आपको समाप्त करना पड़ेगा। मंडियों में, बाजार में, दिल्ली में कोई व्यापार या किसान आ गया बेचने के लिए 50 रुपया दे दो, क्यों देगा? 100 रुपया दे दो, क्यों देगा? रेलवे स्टेशन जाता है 2 रुपया दे दो, क्या चलता क्या है देश? आपको समझ में नहीं आएगा प्रधानमंत्री, मेट्रो में बैठ कर अच्छा फोटो खिंचाया ठीक है, आप नागपुर में मेट्रो में बैठो, दिल्ली में बैठो, हमको आपत्ति नहीं है, एक बार लोकल ट्रेन में भी चलो। वहां जो छोटे छोटे किसान सब्जियां फल लेकर चलते हैं, उनसे कैसे लूट होता है अपने ध्यान में रखो। आप तो गरीब मां के बेटे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? लूट चल रहा है हर कदम पर, लूट किसानों से। किसने बाजार में जाए बाजार टैक्स, कौन सा बाजार टैक्स? किसान बेचने वाला आदमी है, किसान उत्पादक वाला आदमी है, कहीं भी टैक्स नहीं देना, ना जीएसटी, ना मंडी, ना बाजार, ना ट्रेन, ना बस, किसी में भी टैक्स नहीं देना किसानों। किसान बेचता है, किसान बिक्रेता है, फिर भी पिछले 50 साल से लूट तंत्र चल रहा है। 75 साल हो गया, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, तब भी यह विषय क्यों खाली है? ये वित्त प्रधानमंत्री ने आपके वित्त मंत्री को समझाओ, ये तुरंत उसका समाधान निकाले, बजट में प्रावधान करे, किसी भी कुछ आदरण पर जीएसटी ना लगे। प्रधानमंत्री जी, आपके पर्यावरण मंत्री को समझाओ, वो जीएम फसल का कानून को अनुमति को तुरंत वापस ले। ये जो आपके बैठे हैं डीएसी, कहीं सौद चल रहा है, सौदा चल रहा है कंपनी के साथ, बड़ा बड़े अमेरिकी कंपनी ने जीएम फसल के पीछे ताकत लगाया, और ये जो कुछ लोग बैठे हैं जीएसटी के नाम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग फसल के लिए बैठे कमिटियां, वैज्ञानिक कुछ भी, और कुछ लोग आईसीएल में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं सोना चल रहा है, कितने में मिलेगा? चल क्या रहा है देश में? अगर आपने स्वच्छ भारत करने का कोशिश किया, अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश किया, ये जीएसटी को भंग करो, ये जीएसटी को भंग करो। सबसे खतरनाक संस्था जीएसटी, बीच बीच में जीएम सबको, जीएम बैगन, जीएम क्या चल कर आओ, बैठ के हिम्मत है तो बैठ के वैज्ञानिक सब पर बात करो, नहीं कभी तू ठंड बच जाता है फिर निकल के निकलते आतंकवादी है क्या? इधर लोगों तो उधर घुसे, उधर लोगों तो उधर घुसे। मेरे साथ बोलना, मैं बोलूंगा जीएसटी, बोलना हाय हाय जीएसटी, 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 आईसीआर बोलूंगा, बाय बाय बोलना। आप अगर किसान के हित में सीएम के साथ खड़े होगा आईसीआर, तो बोलना बाय बाय आईसीआर, आईसीआर बाय बाय, आईसीआर बाय बाय, जीएसटी हाय हाय, जीएसटी हाय हाय। इंतजार तो थोड़ा करेंगे, बजट आ रहा है, थोड़ा करेंगे इंतजार। बजट में अगर जीएसटी का प्रावधान नहीं हुआ, सरकार ने लाभकारी मूल्य मिलने का तंत्र अगर नहीं खड़ा किया, यही रुकने वाला नहीं है किसान संघ। ये किसान संघ दुनिया का, देश के सबसे बड़ा और राजनैतिक अहिंसक किसान संगठन है। अहिंसा हमारा मजबूरी नहीं है, हम मान के चल रहे हैं, हिंसा नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, ये देश हमारा, धरती हमारा है, मगर
आप हमको मजबूर मत करो। किसान का धैर्य का परीक्षा ज्यादा मत लो। अगर धैर्य का बांध टूटा तो मुर्गी जैसा कांड होने को समय नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री जी, किसान वंदना रैली के माध्यम से 560 जिला का प्रतिनिधि, 50,000 नुक्कड़ सभाएं, साइकिल यात्राएं, अलग मिटिग्रान समिति मीटिंग करते हुए आपके यहां पहुंचे हैं आपको समझाने के लिए। हम जानते हैं आपको खेती करना कितना आता है, हमको पता है। आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, समझाएंगे। नहीं समझेंगे तो दूसरी भाषा में भी समझाएंगे। भारत माता की भगवान बलराम की, भारत माता की।